बचपन से ग्लैमर्स की दुनिया में मशहूर उर्मिला मातोंडकर इन दिनों राजनीति में किस्मत चमका रही हैं। हाल ही में उर्मिला ने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना ज्वाइन की थी, जिस वजह से आए दिन वो सुर्खियों में रहती हैं। रंगीला गर्ल के नाम से फेमस उर्मिला करोड़ों रुपए ठुकराकर एक्ट्रेस बनी थी। जी हाँ, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, अगर वो चाहती हिट होने के लिए कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों में करोड़ों कमा सकती थी, मगर उन्होंने पैसों के लिए नहीं बल्कि प्रतिभा को निखारने वाले किरदार चुने। उर्मिला को कई ऐसी फिल्में ऑफर की गईं जिनसे वो करोड़ों कमा सकती थीं, लेकिन उन्होंने सभी को ना कर दिया। इसके अलावा उर्मिला के फिल्मी करियर को बर्बाद करने में उनके प्यार का भी हाथ था। दरअसल जिस राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उर्मिला बॉलीवुड में छा गई थी, उसी राम गोपाल का प्यार उर्मिला को ले डूबा। उर्मिला ने राम गोपाल के साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद दोनों को प्यार हो गया। कहा जाता है कि राम गोपाल की वजह से ही उर्मिला बाकी फिल्मों का ऑफर भी ठुकरा देती थी, क्योंकि राम गोपाल की इंडस्ट्री में किसी के साथ खास पटती नहीं थी। राम गोपाल से उर्मिला की नजदीकियां बाकी डायरेक्टर्स को भी नहीं भाती थी, और इसीलिए धीरे धीरे उर्मिला को काम मिलना बंद हो गया। कहा जाता है कि राम उर्मिला के इतने दीवाने थे कि अपनी हर फिल्म में उर्मिला को ही लेते थे। उर्मिला के लिए तो उन्होंने माधुरी दीक्षित को भी फिल्म से निकाल दिया था। राम की उर्मिला के प्रति दीवानगी इतनी थी कि उन्होंने अपने ऑफिस के एक कमरे का नाम ही उर्मिला मातोंडकर रख दिया था। मगर उर्मिला को क्या मालूम था कि डायरेक्टर की यही दीवानगी उनके करियर को डुबा देगी। जब सभी ने उन्हें काम देना बंद कर दिया तो उर्मिला ने भी राम गोपाल की फिल्में करना बंद कर दिया था। फिर उर्मिला ने आनन फानन में 3 मार्च 2016 को खुद से 9 साल छोटी कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। मोहसिन कश्मीर की बिजनेस फैमिली से हैं, लेकिन वो हमेशा से मॉडल बनने का सपना देखते थे। उन्होंने कई फिल्मों में लीड रोल प्ले किए और मॉडलिंग भी की। हालांकि शादी के बाद उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया, यहां तक कि उन्हें मुस्लिम से शादी के लिए खूब सुनाया गया। उनके विकिपीडिया से छिड़खानी तक की गई। उनके माता पिता का नाम हिंदू से बदलकर मुस्लिम रख दिया गया। उर्मिला इन दिनों अपनी राजनीतिक बयानों को लेकर ही नहीं बल्कि शानो शौकत के लिए भी जानी जाती हैं। उर्मिला कुल 69 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिकिन है। हाल ही में उन्होंने दुर्गा चैम्बर में 3.75 करोड़ का एक ऑफिस खरीदा। इसके अलावा उनके पास बांद्रा इलाके में ही उर्मिला के एक या दो नहीं बल्कि 4 फ्लैट्स हैं। उर्मिला के चारों फ्लैट्स की कुल कीमत लगभग 27.34 करोड़ रुपए है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।